हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया है? ठीक है, तो आज हमें पढ़ने वाले हैं इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, जो हमारा पार्ट नंबर 7 है आज तीसरे चैप्टर का। मैं पार्ट नंबर 7 इसलिए बोल रहा हूँ कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमने पार्ट नंबर 7 की जो थ्योरी, जो हमारा चैप्टर 3rd है 12th क्लास का, इसकी थ्योरी हमने पूर्णतः कंप्लीट करवा दी। अब मैंने कहा था कि जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तो उसके न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, तो न्यूमेरिकल हमने शुरू कर दिए। पार्ट नंबर 6 हमने कल 5 उदाहरण हल किए थे, आज हम हल करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7 के अंदर आगे के जो एग्जाम्पल है तीसरे चैप्टर के, वो हल करेंगे। और न्यूमेरिकल हल करने के लिए हमेशा कभी कोई फीलिंग नहीं आती है, न्यूमेरिकल हल कराने के लिए आपको चुनाव करना पड़ता है, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ती है और फिर जाके न्यूमेरिकल हल होते हैं। तो देखिए, उम्मीद करता हूं कि थ्योरी के वीडियो आपको याद देखे हैं, थ्योरी के कंसेप्ट आपको याद है, सूत्र आपको याद है। तो देखते हैं, 2 बिंदु आवेश 8×10⁻¹⁹ कूलाम तथा माइनस का 8×10⁻¹⁹ कूलाम परस्पर 2×10⁻¹⁰ मीटर दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 4×10⁻¹⁶ मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए, द्विध्रुव की अक्ष पर, द्विध्रुव की निरक्ष पर और द्विध्रुव के आघूर्ण से 60 डिग्री पर स्थित हो। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका हल देखिए, ये हमारे पास में एक आवेश क्या है, 8×10⁻¹⁹ कूलाम है, ये माइनस का क्यू कूलाम है, माइनस का 8×10⁻¹⁹ कूलाम। जैसा कि हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक उत्पन्न किया था, तो मैंने वहां बीच की डिस्टेंस 2a ली थी। यहाँ पर 2a की वैल्यू भी आपको दे रखी है, 4×10⁻¹⁬ मीटर। ये कह रहा है कि दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। विभव ज्ञात करने के लिए मैंने जब आपको व्युत्पन्न करवाया था तो किसी थीटा कंडीशन पर व्युत्पन्न करवाया था कि ये हमारे बीच से r डिस्टेंस पर दूरी पर, बीच की डिस्टेंस यहाँ 2 दे रखी है और R की वैल्यू है वो 4 दे रखी है, R=4×10⁻¹⁬ मीटर है दे रखा है, यह तो गिवन वैल्यू है। तो द्विध्रुव से थीटा के लिए मैंने कहा था कि थीटा के लिए V बराबर क्या सूत्र होता है, KP cos θ/R² KP cos θ/R² बिंदु के लिए KQ/R, बिंदु आवेश के लिए KQ/R और इसके लिए क्या होगा, KP cos θ/R² थीटा कंडीशन पर द्विध्रुव से R डिस्टेंस पर हो, तो वो क्या होता है, थीटा किन के बीच में होता है, थीटा द्विध्रुव आघूर्ण, जो कहां से कहां होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में हमेशा पी की डायरेक्शन होती है, तो पी से वो कितना कोण बनाता है, ये हमारा थीटा होगा द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ मेरे को आर दे रखे है, पी ज्ञात करना पड़ेगा। पी का सूत्र क्या होता है, पी बराबर होता है 2aq, यानी q×d, यानी बीच की डिस्टेंस एक आवेश। तो 2a की वैल्यू की यदि हम बात करें तो वो है हमारे पास में 2×10⁻¹⁶ मीटर और गुणा q a, कोई सा ले लो, 8×10⁻¹⁹। तो यहां से यदि हम, तो 16×10⁻¹⁰ कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास में 25 कूलाम/मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम/मीटर होता है, तो ये हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। उसके बाद में चलो हम पहले थीटा वाला ज्ञात करते हैं। थीटा वाले में ज्ञात करें तो K की वैल्यू 9×10⁻¹ और P की वैल्यू हमने क्या, 16×10⁻¹⁵ और cos हमारे पास में थीटा दे रखा है 60 डिग्री और बट्टा में R², यानी जो R है हमारे पास में द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो डिस्टेंस ली गई है वो है 4×10⁻¹⁬ दे रखी है। तो यहां से यदि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो वैसे भी कैंसल हो जाएगा और 9×10⁻¹⁹ हो जाएगा। और फिर यदि हम बात करें तो 10⁻¹² ऊपर जाके +12 बनेगी और इसको आप हल कर लो, प्लस वाला ज्यादा है, या यदि हम बात करें तो 13 बच जाएगी ऊपर घात माइनस की, यहाँ पर ये 13 बच जाएगी ऊपर जाएगी तो -12, 25 में से जैसे ही हम 12 घटाएंगे तो माइनस का 13 और कोस है 60 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब 9 में 2 का भाग लगे 4.5 और यहाँ से यदि हम बात करें तो 9 + 4 = 13, तो 10⁻¹⁴ वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा,
थीटा बराबर 60 डिग्री पर, यानी इस कंडीशन में ऐसे थीटा बराबर यदि 60 डिग्री हो तो यहां पर आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो द्विध्रुव के कारण इतना हो जाएगा। अक्षीय कंडीशन में थीटा बराबर जीरो होता है, यानी यहां हमसे पूछा है अक्षीय कंडीशन में थीटा बराबर जीरो होता है, निरक्षीय में थीटा बराबर 90 होता है। तो अक्षीय में थीटा बराबर जीरो यानी सूत्र होता है वी अक्षीय होता है केपी बटा आर स्क्वायर। वी बराबर क्या होता है केपी बटा आर स्क्वायर, केपी बटा आर स्क्वायर। केवल देखा जाए तो ये केपी बटा आर स्क्वायर यहाँ कोस थीटा की वैल्यू है वो जीरो एक हो जाती है, बाकी थीटा बराबर जीरो यही वैल्यू होगी, यानी ये कोस 60 का मान जो 1/2 आ रहा है वो आएगा नहीं, वैल्यू रखोगे तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 9 × 10^2 है हमारे पास में कितना माइनस का 4 वोल्ट आ जाएगा। ये ठीक है अक्षीय कंडीशन हो गई, उसके बाद में थीटा हो गया निरक्षीय। यहां देखिए निरक्षीय पूछा है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से कोस 90 का मान जीरो, तो क्योंकि ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है सेम डिस्टेंस पर होता है निरक्षीय में, ये डिस्टेंस सेम होती है तो यहां से पोटेंशियल क्या हो जाता है दोनों के कारण रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो यहां से यदि हम बात करें तो वी बराबर क्या हो जाएगा जीरो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा द्विध्रुव से संबंधित पाठ्य पुस्तक के जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं वे भी बहुत सारे अच्छे आपके क्वेश्चन हैं, उनको आप हल जरूर करिएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि अक्षीय कंडीशन में द्विध्रुव के कारण जो हमारा सूत्र होता है केपी बटा आर स्क्वायर होता है, निरक्षीय में हमेशा ही विद्युत द्विध्रुव के कारण जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, और हमारा थीटा कंडीशन पर ध्यान रखना है क्या होता है केपी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखते हैं, मैंने पेज के अंदर शॉर्ट के अंदर लिख रखे हैं उनके जो सिंबल दे रखे हैं वो लिख रखे हैं ताकि आपको मैं कम टाइम के अंदर ज्यादा मटेरियल दे सकूं। तो ये हमारे पास में क्या कह रहा है सातवां जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा मोस्ट लगा लेना वेरी वेरी मोस्ट, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है एग्जाम के अंदर 2 नंबर का आने की पूरी संभावना है। यहाँ वी दे रखा है वी बराबर 343/r दे रखा है, वी बराबर ये दे रखा है और r वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i, 3i के 2j के और माइनस का 6k के। ठीक है और इससे पूछा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का मापांक आपसे पूछा गया है। ठीक है उसके बाद में ई की मतलब सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये वी दे रखा है, यहां आपको ध्यान में रखना है कि ई और वी में क्या रिलेशन होता है। वैसे तो साधारणतः हम ई बराबर क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास में जो ई बराबर होता है V बराबर E इंटू डी होता है, तो यहाँ पर E का जो रिलेशन होगा तो वो हमने व्युत्पन्न किया था माइनस का dV/dr होता है, यानी यदि हम बात करें तो E बराबर हमेशा V/d होता है। आप एक मात्रक भी पढ़ते हो विद्युत क्षेत्र का, एक मात्रक एक तो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है और एक विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है वोल्ट पर मीटर होता है, तो यहां से वोल्ट और बीच की डिस्टेंस तो माइनस का डीवी, और जैसे ही वेक्टर फॉर्म लगाते हो तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ता है आर केप लगाना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा तो यदि हम बात करें तो ई बराबर ई वेक्टर की बात करें माइनस का चिन्ह है और dV/dr, यानी यहां से यदि हम बात करें तो डी और बटा डी आर और ये वी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 343/r, और ध्यान से समझिएगा यहां तो मैंने क्या किया है केवल यहां तक आर केप का मतलब क्या होता है, आर केप का मतलब होता है आर वेक्टर बट्टा आर वेक्टर का मापांक, यानी दिया गया सदिश बट्टा सदिश का मापांक। यदि साइड में थोड़ी मैं बात करूं आर वेक्टर ये देर का है, इसके मापांक की यदि मैं बात करूं तो रूट ऑफ आई का 3 का वर्ग 9 और 2 का 4 और 6 का कितना हो जाएगा, यहां से यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36 हो जाएगा। अब यदि इसको ये हमारे पास में मापांक हो जाएगा और यह भी R है केवल R है तो इसका मतलब यह भी मापांक को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो मापांक आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 9 और 4 13 और ये आपके पास में
49 और 7 हो जाएगा, यानी R केवल R लिखा हुआ होता है वो मापांक ही होता है, केवल R की वैल्यू यहाँ, इसका मतलब केवल R की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी है, वो 7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का चिन्ह देखो, 1 बटा एक्स का जो समाकलन होता है डी बटा डी एक्स और 1 बटा एक्स हो तो उसका समाकलन होता है माइनस का 1 बटा एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये सॉरी समाकलन नहीं अवकलन, तो इसका जो अवकलन होगा 1 बटा आर, इसका अवकलन हो जाएगा 1, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा तो माइनस माइनस का 343 तो कॉन्स्टेंट है और बटा आर स्क्वायर और इधर आर वेक्टर और आर मापांक को मैं केवल आर भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो इसको जैसे ही मैंने हल किया प्लस का हो गया ये 343 बटा आर स्क्वायर और गुणा में देखो एक आर आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। अब देखो ये बना है 343 बटा आर क्यूब और आर वेक्टर, यानी ई वेक्टर सदिश रूप में आपको ज्ञात करना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहां से 343 बटा आर क्यूब का मतलब 7 का क्यूब और आर वेक्टर का मतलब हो जाएगा हमारे पास में 3i प्लस 2j माइनस का 6k, तो 7 का जो घन होता है वो भी 343 होता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास में लास्ट में फाइनल ई का जो मान आता है 3i 2j माइनस का 6k और शुद्ध मात्र क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही इजी, आप चाहो तो आर केप का जो मान है वो साइड में ज्ञात कर लो, आर केप की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, यदि मैं बात करूं तो आर केप की जो वैल्यू है हमारे पास में वही वेक्टर फॉर्म आएगी 3i 2j और माइनस का 6k अपॉन इसका मापांक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आ जाएगी आर केप। और आप चाहो तो केवल dv बटा dr को साइड में लेके ज्ञात कर दो तो वही है, कैसे हल करो आपके पास में जो आंसर आने वाला है वो इस प्रकार से आने वाला है। तो एक ही सूत्र ध्यान में रखो, माइनस का dv बटा dr वेक्टर फॉर्म में बात करें तो r कैप डायरेक्शन हो जाएगी, बाकी r वेक्टर दे रखा है, तो इस प्रकार से आप चलते जाइए आपके पास में आंसर है आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल जो 3.7 था, परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया। उसके बाद में इससे मिलता जुलता ही एग्जाम्पल हमारा 3.8 है, वो भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट है और आपके कंसेप्ट वहां पर है बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है 3.8 एग्जाम्पल है, इसमें v दे रखा है एक्स वाई फॉर्म में, यहाँ तो केवल i कैप j कैप के रूप में और एक ही वेरिएबल था r, यहाँ v का वैल्यू दे रखा है एक्स वाई जेड, तीन चर दे रखे हैं उनमें 6x माइनस का 8xy और माइनस का 8y प्लस का 6yz। ठीक है, ये तो v दे रखा है, आपको पूछा है e क्या होगा भाई, 1,1,1 पर e का मापांक पूछ रखा है वो आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा e का जो मापांक है वो क्या है। देखो इसके लिए e जैसे ही हम ज्ञात करते हैं तो e इस प्रकार से आने वाला है, परिणामी e आएगा e x i के प्लस e का y घटक j के, e का z दिशा में घटक और k के। अब देखो ex ज्ञात करना है तो ex का ज्ञात करने का सूत्र होगा माइनस का डेल v बटा डेल x, इसका मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष जो v दे रखा है उनका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जब हम अवकलन करेंगे तो केवल x के सापेक्ष करेंगे, बाकी सारे के सारे ऐसे लेंगे जैसे कांस्टेंट है, तो y के सापेक्ष करेंगे फिर ey का मतलब वही होगा, थोड़ा मैं शॉर्ट में ही बात कर रहा हूँ, माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, और जो हमारे पास में v दे रखा है वो पूरा लिख लीजिए 6x माइनस का 8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz। अब देखो x के सापेक्ष मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ 6 कांस्टेंट है तो x का हो गया 1, ये हो गया हमारे पास में 6 है, माइनस का यहाँ में गया 8y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया मैंने, तो यहाँ से माइनस का x का ये 1 हो गया 8y हो गया, माइनस का 8y का ये पूरा ही कांस्टेंट है 8y हमारे लिए कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 हो गया, 6yz के पास में मैं गया तो 6y
जेड में भी एक्स नजर नहीं आ रहा है तो वो जीरो हो गया। तो यहां से ई एक्स 1.11 पर हम बात करें तो ई एक्स घटक में जो वाई की वैल्यू 1 रख दिया, 6 - 8 यहां से वैल्यू आ गया माइनस का 2, और मात्रक की बात करें तो आप वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये माइनस का 2 यानी ई एक्स की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 2 आई के यानी ई वेक्टर फॉर्म में हमें मापांक भी निकालना है इसका। तो अब यदि हम बात करें आगे मैं चलता हूं ई वाई घटक निकालने के लिए तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई करना पड़ेगा। यही क्या होता है विभव परवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच में रिलेशन हमने पढ़ा था ए बराबर माइनस का डीवी बटा डीआर वाई से ही। तो माइनस का अब देखो डेल अपॉन डेल वाई वही वैल्यू मैं रखने वाला हूँ 6x - 8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz। ठीक है, तो अब यदि हम y के सापेक्ष इसका अवकलन करना चाहे तो यहां से 6x कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब हमें बाकी x और z कांस्टेंट की तरह नियतांक की तरह मान के चलने हैं। तो यहां से y है तो माइनस का 8x बचने वाला है, ये यहां माइनस का 8 बचने वाला है और यहां 6z बचने वाला है क्योंकि यहां तीनों टर्म के अंदर y है। अब यदि हम 1.1 रख दे तो ई वाई कहां पर 1 पर x का मान 1 y का मान 1 और z का मान भी 1 तो सभी की जगह माइनस का 8 और माइनस 8 और प्लस का 6 तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा तो माइनस का 10 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो ई वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस की 10 आ गई तो माइनस का 10 जे केप हो गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास में ई जेड की ई जेड थोड़ा शॉर्ट में ही कर देता हूँ। जैसे ही जेड के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड करेंगे तो वो हमारे पास में यहाँ आ जाइए आप 6x गया काम से, ये xy भी गया काम से, 8y भी गया काम से तो यहाँ केवल 6y बचने वाला है क्योंकि जेड के सापेक्ष करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट गुणा देगा 6y। 1.1 पर यदि हम बात करें तो ई जेड बराबर 1.1.1 है पर यदि हम बात करें तो ये 6 × 1 ये हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो यहाँ से ई जेड की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 6 है के मापांक हमें निकालना है तो मापांक माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा तो ये हमारे पास में 140 हो जाएगा। तो अब देख लो यहाँ से बात करें तो इसको मैं 4 × 35 लिख सकता हूँ, 4 × 35 लिखूं तो 4√2√35 वोल्ट पर मीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है। आप तो ई एक्स घटक निकालो, वाई निकालो, जेड इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको ई निकालना है पहले वेक्टर फॉर्म के अंदर। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए उसका ई एक्स घटक वही एक्स के सापेक्ष कर दो, वाई के लिए वाई के सापेक्ष आंशिक और जेड के सापेक्ष आंशिक करके ई एक्स ई वाई जेड जो भी बिंदु दे रखा वह निकाल दो, बाकी वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद में मापांक निकालना हो तो इस प्रकार से। ये बहुत ही अच्छा आपका एक क्वेश्चन था जिसको आपने समझा। उसके बाद में यदि हम बात करें तो वही अचालक गोले के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अचालक गोले के कारण जो हमने विद्युत विभव के व्यंजक आपको उत्पन्न करवाए थे तो सरफेस के बाहर तो ध्यान में रखना के क्यू बटा स्मॉल आर होता है और सरफेस पर के क्यू बटा कैपिटल आर होता है और अंदर कोई बिंदु हो तो हमारे पास में अचालक गोले के कारण जो विद्युत विभव होता है वो ध्यान में रखिएगा के क्यू कोष्टक के अंदर 3r² - r² / 2r³। ये सूत्र वैसे ही है तो ये 3.9 जो हमारा एग्जांपल है वो कह रहे हैं अचालक गोले के लिए r की वैल्यू दे रखी है। कोई अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या r = 10 cm यानी r - -10⁻¹ मीटर दे रखा है और इस पर q की वैल्यू दे रखी है। अचालक गोले को दिया गया जो आवेश है वो 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पूछा गया है तो आप समझिएगा ध्यान से कितनी कंडीशन पर v पूछा है आपको 14 cm पर पूछा गया है। उसके बाद में आपसे पूछा है v जो 10 cm पर v पूछा गया है 10 cm यानी यहाँ से डिस्टेंस 14-10 है और फिर पूछा गया है v 4 cm पर पूछा गया है। इससे पहले तो आपको ये समझना है
इसका मतलब वी आउट कौन सा है, वी सरफेस कौन सा है और वी इन कौन सा है। तो यानी यदि हम बात करें तो 10 से ज्यादा 14 है तो यहां से सेंटर से चलेंगे ये आउट वाला है। तो वी आउट का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। तो वही सूत्र के 9 गुणा 10 की घात 9 और Q की वैल्यू हमारे पास में ये हो जाएगी 3.2 गुणा 10 की घात -19 और R स्क्वायर यानी 10 की घात -2। तो इसको बस सरल करना है तो ये KQ बटा R स्क्वायर 10 की घात, यहाँ R की वैल्यू 14 दे रखी है तो 14 सेंटीमीटर दे रखी है तो 14 गुणा 10 की घात माइनस है। यहाँ से R स्क्वायर नहीं होगा, बिंदु आवेश की तरह ही काम करने वाला है। यहां से यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा के क्यू बटा केवल स्मॉल आर हो जाएगा, के क्यू बटा स्मॉल 14 गुणा 10 की घात -2 होगा। तो अब इसको जैसे ही आप हल करोगे तो आपके पास में 2.057 गुणा 10 की घात -8 वोल्ट हो जाएगा। भी इजी है इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, के क्यू बटा आर ध्यान में रखना है। सरफेस वाला आप जानते हो वी सरफेस होता है के क्यू बटा कैपिटल आर, बिंदु आवेश की तरह ही काम करता है। जब तक के क्यू बटा आर यहां तक हो इसकी सरफेस तक आए तो वही बात के क्यू की वैल्यू की हम बात करें तो वही 9 गुणा 10 की घात 9 3.2 गुणा 10 की घात -19 आर की वैल्यू 10 की घात माइनस है, ये हमारे पास में केवल 14 सेंटीमीटर दिया, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यानी 10 की घात -1 रख दिया। तो बाकी इसको भी आप हल कर लेना, बहुत ही इजी है। 2.88 गुणा 10 की घात -8 वोल्टेज आ जाएगा। यानी सीधा देखो 9 × 2 = 18 × 9 = 27 2.88 आ रहा है, उसके बाद में इसको हल कर लेना तो ये 10 बन जाएगा और फिर 2.88 10 की घात -8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 4 सेमी वाला बहुत ही अच्छा आपका वी इन पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो ध्यान में रखिएगा के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बट्टा 2R³। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि R बराबर 0 रखते हैं तो उसके सेंटर पर अचालक गोले के सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है 3/2 R के रूप में आएगा, 3/2 गुणा V सरफेस होगा, तो वो ध्यान में रखना। बाकी देखो कैलकुलेशन विद्यार्थियों आपको करनी पड़ेगी, 9 गुणा 10 की घात 9 और Q की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 3.2 गुणा 10 की घात -19। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में तो 3 और R की वैल्यू करें तो 10 की घात -1 होगा, उसका स्क्वायर माइनस R क्या है 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, बाकी बट्टा के अंदर ये 2 गुणा हमारे पास में 10 की घात -1 का होल क्यूब। बस ये कैलकुलेशन यदि मैं करूंगा तो आधा घंटा लगभग काफी टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि आपने समझ लिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में आगे भी बहुत सारे दे रखे हैं, कैलकुलेशन आप खुद करिए ताकि अभी जैसे स्कूलें नहीं लग रही है तो आप लॉकडाउन के समय के अंदर अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन करके बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। इसका जो आप कैलकुलेशन करके चेक करिएगा 4.09 10 की घात -8 वोल्ट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल बस सूत्र याद होने चाहिए, सरफेस है आउट है इन है ये हमारे विद्युत है विभव। और उसके बाद में यदि हम बात करें इसी प्रकार के जैसे मान लो चालक गोले के कारण हो गोलीय कोष के कारण हो तो उनमें सभी में क्या आने वाला है के क्यू बट्टा बाहर वाले में स्मॉल आर और सरफेस पर के क्यू बट्टा कैपिटल आर, अंदर जाओगे तो वही क्या होगा के क्यू बट्टा कैपिटल आर हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्युत विभव आपसे पूछा गया। 10वां एग्जाम्पल भी बहुत ही इजी है, ये कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, ये 6 × 10⁻²⁻² मीटर बीच की डिस्टेंस r बराबर 6 × 10⁻²⁻² मीटर पर स्थित है, तो इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र मैंने बताया था के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर, दो आवेशों का निकाय बनाने में किया गया जो कार्य होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो के गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 और उसके बाद में क्यू वन की वैल्यू आप जानते हो 1.6 × 10⁻¹⁹ है -19 और यहां से ये क्यू टू भी वही प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻¹⁹
और बट्टा बीच की डिस्टेंस 6 × 10⁻²⁪ मीटर। इसको जैसे ही आप हल करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपसे पूछा गया है, तो ये जो पहले आंसर आएगा वो आपके पास में किस में आएगा, पहले जो आंसर आएगा वो जूल के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ एसआई यूनिट में दे रखी है सारी वैल्यू। तो पहला आंसर आपके पास में जो भी आता है इसको हल करें जूल में आएगा, और उसके अंदर यदि जूल को में जो भी मान आए उसमें आप 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का यदि आप भाग लगा देते तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी इसी के अंदर यदि आप 1.6 × 10⁻¹⁹ का जो भी वैल्यू आए अभी मैं भाग लगा दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाता है, बाकी को जैसे ही आप हल करते हो तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.024 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और इसी को आप 0.024 × 10⁶ मेगा बोलते हैं, यानी 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10⁶ को हम मेगा बोलेंगे, तो 10⁶ 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी 2 प्रोटॉन यदि 6 × 10⁻²⁪ मीटर दूरी पर है तो इनकी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी सूत्र K1Q2 / R, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में भी बहुत ही अच्छा जो हमारे पास में 11वां एग्जाम्पल है वो देखिएगा। 11वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास में एक संभव त्रिभुज है 11वें एग्जाम्पल में, क्योंकि वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻¹⁷ और a बराबर एक संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 0.10 मीटर। ये कह रहा है कि इस प्रकार का हमारा सिस्टम है, इस प्रकार का सिस्टम है, यहाँ माइनस का 4q हमने रखा है और यहाँ से प्लस q रखा है और ये प्लस का 2q रखा है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले बहुत सारे, एक यदि आप समझ लेते हो, एक यदि समझ लेते हो तो बाकी सारे काफी समझ। 12वां एग्जाम्पल भी इसी प्रकार का है, मैं आपको इसी के साथ मैं समझाने वाला हूँ कि ये वर्ग है और जिसकी जो भुजा है वो डी डिस्टेंस डी है, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है और ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू है, और इस बात करें तो अब इसको बनाने में किया गया कार्य ये बताना है, इसके सेंटर पर यदि कोई आवेश लेके आए तो कितना हमें कार्य करना पड़ेगा और ये निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो ये इस प्रकार के एग्जाम्पल पाठ्य पुस्तक में भी बहुत सारे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी हमें ज्ञात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने के लिए पहले आप क्यू आवेश को लेके आए, ध्यान से समझिएगा, क्यू आवेश को लेके आए कि आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ा। इस प्रकार से आप इनको यदि नंबरिंग देना चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, Q1 Q2 दे सकते हो और इसको आप Q3 दे सकते हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहला आवेश लाने में तो अनंत से लाए कोई कार्य करना, अब मान लो मैं दूसरा आवेश लेकर आया तो तीसरा अभी लेकर नहीं आया, सिस्टम अनंत से लाकर आवेशों को ये निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो पहला आवेश लेकर आया मुझे कोई कार्य, अब बात यहां से शुरू होती है, तो अब 1 2 को यानी 1 और 2 को बनाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा योग होगा। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जैसे ही मैं तीसरा लेके आया तो मुझे किसके विरुद्ध, 1 और 3 के विरुद्ध भी मुझे कार्य करना पड़ा और 2 और 3 के विरुद्ध यानी इसके विरुद्ध भी मुझे कार्य करना पड़ेगा, तो U क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 युग्म बनने वाले हैं पहले और दूसरे के लिए, K Q1 Q2 / बीच की डिस्टेंस तो सभी में सेम है, मैंने A नाम दे दिया। U1 3 की बात करें तो K Q1 Q3 / बीच की डिस्टेंस है, और 2 3 की बात करें तो K 2 और 3 और बीच की डिस्टेंस A। अब यदि हम वैल्यू की बात करें तो मुझे लगता है K / A तो सभी में कॉमन है, तो K / A मैंने कॉमन ले लिया। 1 और 2 की बात करें तो ये Q और इंटू ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, प्लस 1 और 3 की बात करें तो 1 और 3 में ये माइनस का 1 है हमारे पास में Q और ये वो है माइनस का 4Q, और 2 और 3 में यदि हम बात करें तो ये है 2Q और 3 है हमारे पास में माइनस का 4Q। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यदि हम बात करें तो K/A कॉमन आ गया, ये 2Q²
माइनस का 4q स्क्वायर माइनस का 8q स्क्वायर। अब इसको हल करिएगा, हल करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, माइनस का ये 10 बचने वाला है, तो k माइनस का k बट्टा a और इनटू में कितना हो जाएगा 10 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो वैल्यू रखनी है, माइनस का के की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 10^-7 और बट्टा ए की वैल्यू 0.10 मीटर दे रखी है 10, और क्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी, के की वैल्यू सॉरी, यह 9×10^9 रखनी है, और ये क्यू स्क्वायर कितना है हमारे पास में, तो ये 10^-14 हो जाएगा। ठीक है, इजी सा सिस्टम है, इसको यदि आप हल करोगे तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो मैं बता देता हूँ। इसको हल कर देना, 9×10^9 और ये 0.10 है और 10, और इसको आप हल करिएगा तो आपके पास में आंसर आ जाएगा -9×10^-3 जूल। -9×10^ देर का है कितना, -3 जूल, या नेगेटिव एनर्जी ये कह रही है। बस सिंपल सा है, हम दिमाग यहाँ लगा ही नहीं रहे, तो ये 10 से 10 कट रहा है, तो इजी तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये 10^9 है, तो -9×10^ देखो कोई आंसर आए, हमें आंसर से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको किस प्रकार से हल करना है वो हमें ध्यान रखना है। माइनस की नेगेटिव एनर्जी हमें ये बता रही है कि जो इसको दूर करने के लिए, इनको अनंत तक वापिस पहुंचाने के लिए हमें 9×10^-3 जूल एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये आवेश कहां पर जाएंगे, अनंत पर चले जाएंगे। अब यदि हम अगला एग्जाम्पल की बात करें, तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके आ सकता है तो आप तैयार रहिए, पाठ्यपुस्तक में आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनको भी आप हल कीजिए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये हमारा एग्जाम्पल जो 12वां है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, वर्ग की भुजा की लंबाई डी दे रखी है। कह रहा है कि इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य बताओ। भाई हमें तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी। मैं सुविधा के लिए इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, इसको 3 नाम दे देता हूं, उसके बाद में इसको नाम दे देता हूं 4। ठीक है, अब देखो हम यहां से पहले पहला आवेश लेके आए, कोई हमें काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा, अब देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो विकिरण वाली हम दे देते हैं, विकिरण वाली √2×भुजा यानी √2×d, विकिरण की जो डिस्टेंस है वो हमारे √2×d हो जाएगी, और नामांकन यदि हम करना चाहें। अब देखो पहला लेके आए, यू की बात करें तो यू को मैं ऐसे डिवाइड करता हूं, पहले पहला लाए कोई काम नहीं करना पड़ा, दूसरा लेके आए तो यहां कार्य करना पड़ेगा U1 और 2 के बीच में। अब तीसरा आवेश लेके आए तो हमें कितनों का विरोध करना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा, तीसरा आवेश लेके आएंगे तो हमें 1 का भी करना पड़ेगा और हमें 2 का भी विरोध करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तीसरा आवेश लेके, अभी 4 वाला आवेश लाए नहीं हमें, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा जैसे तीसरा आवेश लेके आएंगे तो 3 वाले में स्टेप कितनी बनती है ध्यान में रखना, जैसे ही 3 आवेश का कोई सिस्टम देर का हो तो वहां स्टेप हमेशा यू ज्ञात करने की 3 स्टेप बनेगी। 4 वाले में देखिएगा कितनी बनेगी, अब 4 वाला लेके आए तो 4 वाले में हमें किन किन का विरोध करना पड़ेगा, वही 1 का भी करना पड़ेगा, 1 का भी विरोध हमें 4 से करना पड़ेगा, हमें 2 से भी करना पड़ेगा और हमें 3 से भी करना पड़ेगा। यानी यहां देखिएगा हमारे पास में 4 यदि आवेश एक वर्ग के कोने पर हम लेके आ रहे हैं तो यहां पर 6 स्टेप बनने वाली है। अब ध्यान से देखिएगा 1 और 2 को, तो Q1 Q2, तो भाई K मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, Q1 की यदि हम बात करें तो माइनस का Q है और 2 की बात करें तो प्लस का Q है, चिन्ह सहित ध्यान से रखना, बीच की डिस्टेंस वर्ग की भुजा ये डी। आगे हम बढ़े तो के 1 कितना है, 1 आवेश माइनस का क्यू है और 3 आवेश हमारे पास में 1 और 3, तो 3 आवेश है 1 से 3 तक गए, माइनस का क्यू है, माइनस का क्यू, लेकिन बीच की डिस्टेंस वर्ग का विकिरण होगा क्या, √2×d हो जाएगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़े
टू और थ्री के बीच में बात करें तो यहाँ दो आवेशों के बीच में वही के क्यू वन क्यू टू बटा आर, तो के क्यू वन कितना, यहाँ से टू की बात करें तो दूसरा आवेश हमारे पास में कितना है, प्लस का क्यू है, और तीसरा आवेश है माइनस का क्यू, और बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, वही डी है। उसके बाद में हम बात करें वन और फोर की बात करें तो वन और टू थ्री, वन और फोर की बात करें तो ये वन और ये फोर, तो डायरेक्ट डिस्टेंस देखिएगा वन और फोर के लिए तो के माइनस का क्यू और ये हो जाएगा प्लस का क्यू, और बीच की डिस्टेंस भुजा डी प्लस। आगे हम बात करें तो टू और फोर के लिए बात करें तो टू और फोर बीच की डिस्टेंस रूट टू इंटू डी होगी, तो टू की बात करें तो के प्लस क्यू और ये प्लस क्यू और बीच की डिस्टेंस रूट टू इंटू डी। अब यदि हम बात करें थ्री और फोर की बात करें तो यहां पर यदि हम बात करें ये थ्री और ये फोर, तो थ्री और फोर की बात करें तो के माइनस का क्यू प्लस का क्यू बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, ठीक है। अब देखिए हल कर लीजिए, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर बट्टा डी, ठीक है। आगे बढ़े तो ये हो जाएगा प्लस का के क्यू स्क्वायर बट्टा रूट टू डी, आगे बढ़े तो ये हो गया माइनस का के क्यू स्क्वायर बट्टा डी, ये हो गया माइनस का के क्यू स्क्वायर बट्टा डी, ये हो गया हमारे पास में प्लस का के क्यू स्क्वायर बट्टा रूट टू डी, और ये हो गया माइनस का के क्यू स्क्वायर बट्टा डी। कोई पद है वो कट रहा है तो वो देख लो, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ माइनस के क्यू स्क्वायर बट्टा डी, माइनस का के क्यू स्क्वायर बट्टा डी, माइनस का के क्यू स्क्वायर बट्टा डी, ये चार बार आ चुका है, तो ये हमारे पास माइनस का फोर के क्यू स्क्वायर बट्टा डी हो गया। इन स्टेप की बात करें तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, दो बार आ चुका है, यानी ये हमारे पास में आ गया कितना, दो के क्यू स्क्वायर बट्टा रूट है टू डी, ठीक है। तो दो ऊपर ऊपर जाएगा, रूट टू बचने वाला है और बाकी मुझे लगता है ये कॉमन ले लो, तो के क्यू स्क्वायर बट्टा डी जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस का चार और प्लस का रूट है दो, यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी अभी इसमें दो पार्ट पूछ रखे हैं, इस वर्ग को, इस प्रकार का सिस्टम दे रखा हो तो इस वर्ग को जो बनाने में जो किया गया कार्य है या स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बटा डी माइनस का फोर प्लस का रूट टू होगी। उसके बाद में कह रहा है कि यही दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यही आपके पास में वर्ग है, तो ये हमारे पास में प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये हमारे पास में माइनस क्यू है, तो यहां से यदि ये वर्ग है देखने में आपको आयत लगता है ये सेंटर बिंदु ओ है। अब ये कह रहा है कि यहां पर यदि इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी उपस्थिति में यदि कोई अन्य आवेश लेके आए तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, जहां पोटेंशियल जीरो होता है, जहां वी जीरो हो जाए वहां क्या हो जाता है, वहां पर किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। तो केंद्र बिंदु पर यदि हम v बात करें तो v o की बात करें तो ये डिस्टेंस सारी मान लो रूट टू डी है, मैं सुविधा के लिए इसको r ले लूं, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी। बिंदु आवेश के कारण यदि हम v o की बात करें ये भी क्या हो जाएगा, के क्यू बट्टा आर हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का के क्यू बट्टा आर हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का के क्यू बट्टा आर हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का के क्यू बट्टा आर, यानी ये सारे पद कैंसल हो जाते हैं, जीरो वोल्ट आता है। यानी इस जो ये जो वर्ग आपको दे रखा है इसके केंद्र बिंदु पर जहां विकिरण प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर विद्युत विभव जीरो है, विद्युत विभव जीरो है। तो अन्य आवेश यदि हम यहां पर इन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी उपस्थिति में लेके आए तो वो यहां पर यदि हम बात करें तो वी जीरो हो गया तो वहां पर आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इस प्रकार के कितने भी ज्यादा से ज्यादा एक तो आयत वाला आ सकता है या वर्ग का आ सकता है या संभव त्रिभुज का कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी जाएगी, तो इस प्रकार से आपको ये जो पेयर बनाने, युग्म बनाने और उस क्वेश्चन को हल करना है के क्यू वन क्यू टू, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, आगे और बता देंगे। तो अगला देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा 13 एग्जांपल है वो क्या कह रहा है। जिसकी लैंग्वेज बड़ी है तो वो तो मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। ये 13 एग्जांपल ये वही बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि ये कह रहा है कि आपके पास में एक 2q आवेश है, एक 8q आवेश है और एक हमारे पास में क्यू आवेश है। ये कह रहा है कि अधिकतम आप 9 सेंटीमीटर दूर इनको रख सकते हो। दो आवेशों के बीच में अधिकतम दूरी 9 सेंटीमीटर है, तो एक तीसरे आवेश को कहां रखे कि पोटेंशियल एनर्जी है वो न्यूनतम हो जाए। ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि ये 3 आवेश है, इनको किस प्रकार से रखे ताकि पोटेंशियल एनर्जी है वो न्यूनतम हो जाए। देखो, पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम होने के लिए बीच की डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जो बड़े आवेश हैं उनके लिए आप लिखोगे कि विद्युत स्थिति दूरता अधिकतम होने के लिए अधिकतम मान के आवेशों को सबसे ज्यादा दूर रखा जाएगा। ये हमारे पास में 2q आवेश है और ये हमारे पास में 8q आवेश है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो तीसरा आवेश इनके बीच में रखना है कि कहां रखे कि पोटेंशियल एनर्जी और इनके बीच में अधिकतम दूरी पर रखे है। तो ये सिस्टम है, यानी फिलहाल आपको यह समझना है कि 2q और 8q को हमने 9 सेंटीमीटर पर रख दिया ताकि बड़े आवेशों को दूर दूर रखा तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। अब तीसरे आवेश को मान लेते हैं, हमने 2q से कितने डिस्टेंस पर रख दिया, r डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास 9 माइनस का r हो गई, ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर। अब ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम होनी चाहिए। इसके लिए न्यूनतम एनर्जी होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी डीयू बटा डी आर के सापेक्ष जैसे ही आप अवकलन करोगे तो वो अवकलन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब मुझे ज्ञात करना पड़ेगा, योग ज्ञात करना पड़ेगा। योग ज्ञात करने के लिए वही हमारे पास में 3 आवेश है। 3 आवेश की बात करें तो मैं सुविधा के लिए इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं 2 और इसको नाम दे देता हूं 3। तो 1 और 2 को लेकर आए तो U1 2 होगी। उसके बाद में जैसे ही हम तीसरा आवेश लेके आएंगे तो 1 का भी विरोध हमें करना पड़ा और 2 का भी हमें विरोध करना पड़ेगा। ये बातें मैंने थ्योरी के अंदर आपको समझाई थी। अब यदि हम बात करें तो KQ1 Q2 बटा बीच की डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। उसके बाद में 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस K, 1 और 3 और बीच की डिस्टेंस, देखो 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस है 9, ठीक है। उसके बाद में 2 और 3 के बीच के आने वाला उत्तर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 और 3 के बीच की हम बात करें तो 2 और 3 के बीच में तो के 2 और 3 और बीच की डिस्टेंस कितनी है, 9 माइनस आर हो जाएगी, 9 माइनस आर, ठीक है। अब चलो के क्यू 1 देखो, 1 है हमारे पास में 2q और 2 देखो 2 है हमारे पास में क्यू और बीच की डिस्टेंस कितनी है आर और के 1 कितना है 2q और 3 है 8q और अपॉन 9 और उसके बाद में के 2 हमारे पास में कितना है 2 है क्यू और फिर 3 है हमारे पास में 8q और बीच की डिस्टेंस है 9 माइनस आर, ठीक है। तो इसको अलग कीजिएगा तो ये हमारे पास में हो जाएगा 8 है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारे पास में 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन 9, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना क्यू ही है तो 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर, ठीक है। ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई यू की। अब देखो, अब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम के लिए यू क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास में मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम के लिए आपको लिखना है कि जो du अपॉन dr है, यानी यहां मैंने वेरिएबल दूरी है वो r ली है, x लेते हो तो आप du अपॉन dx करते, वो जीरो होनी चाहिए। देखो d बटा dr u की वैल्यू आपने रखी 8 kq स्क्वायर बटा r प्लस 16 kq स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 8 kq स्क्वायर 9 माइनस r बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। आर के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, तो देखो 8kq² यहाँ गया, कॉमन आ गया 8kq² 1 अपॉन आर का जो अवकलन होगा आर के सापेक्ष माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया,
तो फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस का चिन्ह, ये देखो ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, ये जीरो हो गया। यहां यदि हम बात करें 8 के Q² और 9 माइनस R, यानी R की तरह ये वही होगा, माइनस का 9 माइनस R का होल है स्क्वायर। लेकिन ध्यान से रखिएगा, फिर हम अंदर वाले का अवकलन करेंगे, 9 का 0 हो जाएगा, -R का -1 होगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 = 0, यानी ये पद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अपक्षांतरण कर दो तो ये माइनस वाला उधर चला जाता है, और वैसे भी ये यदि हम बात करें तो KQ² है, ये भी 8 आया है और ये भी 8 आया है, तो कॉमन आके कट भी जाएगा। अब आगे देखते हैं हम, तो देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये 2Q और ये हमारे पास में Q हो गया, तो ये 8 नहीं आया है, यानी ये जो स्टेप है यहाँ पर केवल 2 ही आया है, ये भी 2 होगा, ये 2 होगा और यहाँ पर 2 होगा, यानी कहने का मतलब, अब देखिए पक्षांतरण कर लो आप, 2KQ² और माइनस का, तो वो पक्षांतरण किया तो पॉजिटिव हो गया, KQ² / R² हो गया। इधर यदि हम बात करें पॉजिटिव हो गया, 8 KQ² अपॉन 9 - R का होल स्क्वायर हो, ठीक है। अब देखिएगा ये कैंसिल हो जाता है, ये 4 बचता है, और वर्गमूल लेंगे तो 1/R और 1/R और इसका हो जाएगा कितना, 2/9 - R, वैसे प्लस माइनस के रूप में होगा, तो प्लस माइनस के रूप में होगा। एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस के रूप में होगा, तो एक बार पॉजिटिव लेके 9 - R = ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 2R हो जाएगा, तिरछा गुणा हमने किया, ये हमारे पास में होगा कितना, 9 = 3R, R = क्या हो जाएगा, 9/3, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इस क्यू आवेश को आपको कितना डिस्टेंस पर रखेंगे, 3 सेंटीमीटर 2Q से, 2Q से यदि हम 3 सेंटीमीटर दूर इस Q आवेश को रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और माइनस का चिन्ह लेके करोगे तो वही हमारे पास में माइनस का 9 + R = ये हमारे पास में माइनस का चिन्ह है, तो इसको आप हल कीजिएगा, 9 - R = -2R, -3R = 9, यानी R की वैल्यू -3 सेंटीमीटर आएगी, जो कि संभव नहीं है, दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो आपको प्लस वाला रखना है, तो सीधा आप लेओगे पॉजिटिव साइन इसके अंदर लेओगे, तो R का मान कितना आएगा, 3। तो सीधा सा 2Q और 8Q को किस प्रकार से रखे, किस प्रकार से रखे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, तो वही 2Q और 8Q को अधिकतम दूरी 9 सेंटीमीटर दे रखी थी उन पर रखे, और Q को बीच में रखे, और 2Q से 3 सेंटीमीटर रखे, और 8Q से 6 सेंटीमीटर दूर यदि हम रखे, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल हमारा एग्जाम्पल एक बचा है, तो वो हम कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो हमारे पास में जो पोटेंशियल विद्युत द्विध्रुव को यदि हम विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं, तो आपको पता है कि जो बल आघूर्ण होता है वो हमारे पास में T = PE sin θ होता है, वो यदि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो माइनस का PE cos θ होता है, और किया गया कार्य PE cos1 - cos θ होता है। तो यही बातें उससे संबंधित ये लास्ट एंड फाइनल हमारा आज का एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि 1 × 10⁻⁶ और फिर यदि हम बात करें तो माइनस का 1 × 10⁻⁶, ये दो आवेश हैं परस्पर, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपके रखे हुए हैं, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो अब ई भी दे रखा है कि ये विद्युत द्विध्रुव E = 1 × 10⁵ पर है, मीटर एरिया के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर रखा हुआ है। और अब आपको 3-4 बातें निकालनी है यहाँ पर, एक तो पहला अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा, टो मैक्सिमम क्या होगा, दूसरा आपको निकालना है स्थायी संतुलन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, U ज्ञात करना है, स्थायी संतुलन, ठीक है। तीसरी बात आपसे निकाल
स्थायी संतुलन से 180 डिग्री घुमाने में किया गया जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालनी है। तीसरी कंडीशन यू थीटा बराबर यदि 0 डिग्री से आप 180 डिग्री घुमा देते हो तो पोटेंशियल एनर्जी यानी 100 थीटा बराबर 180 बनाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। छोटी छोटी बातें हैं बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। तीसरी जो चौथी बात आपसे पूछी गई है 0 से 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य बताना है। 0 to 90 डिग्री घुमाने में जो किया गया कार्य है वो आपको बताना है। बस बहुत ही इजी जो हमारे पास में एग्जांपल है। यहाँ यदि हम बात करें तो अधिकतम बल आघूर्ण क्या होता है PE साइन थीटा साइन 90 होता है। ये हमारे पास में माइनस प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है। और यदि ये विद्युत विद्रोह आघूर्ण की दिशा जो पी होती है वो यदि ई के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए तो यहाँ पहले मेरे को पी ज्ञात करना पड़ेगा। पी बराबर सूत्र होता है 2aq। क्या होता है 2aq, 2 कितना है 2 × 10⁻²² की मीटर में चेंज, क्यू है माइनस का 6, ये हो जाएगा 2 × 10⁻²² कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो पी की बात करें तो ये हो गया 2 × 10⁻²² 8। ई कितना है हमारे पास 1 × 10⁵, 5 ही दे रखा है तो बहुत ही आराम से हम इसको न्यूटन इंटू ये हमारे पास में कितना जाएगा बल आघूर्ण न्यूटन इंटू मीटर में, तो 2 × 10⁻³⁰ न्यूटन इंटू मीटर। तो ये अधिकतम बल आघूर्ण इस पर लगने वाला है। ठीक है, और स्थायी संतुलन की बात करें तो देखो थीटा बराबर 0 होता है तो स्थायी संतुलन होता है, थीटा बराबर 180 होता है तो अस्थायी संतुलन होता है। यानी पीई कॉस 0 पूछा गया है, पीई कॉस थीटा वाला माइनस का पीई, यानी स्थायी संतुलन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है माइनस का पी ई होती है। तो वो हमारे पास में कितने हो जाएगी, माइनस का पी हमने निकाल लिया तो वो 2 × 10⁻⁸ गुणा ये हमारे पास में जो ई की वैल्यू है 10⁵ है तो वही माइनस का 2 × 10⁻³⁰ जूल हो जाएगी। ये नेगेटिव एनर्जी, इसका मतलब स्थिर ऊर्जा है वो ऋणात्मक है, कम से कम है। तो ये स्थायी संतुलन है, माइनस का पी ई स्थायी संतुलन में हो गया। और उसके बाद में थीटा बराबर 0 से 180 डिग्री घुमा दिए, यानी थीटा बराबर अब 180 डिग्री है, यानी ये ई की डायरेक्शन है वो ई और पी के बीच की जो डायरेक्शन है 180 कर दी, तब आपको पता है माइनस का पी ई कोस 180 करना पड़ेगा, यानी वही कोस 180 - 1 यानी प्लस का पी ई हो जाएगा। यानी अब 180 डिग्री पर जो स्थायी में थे वो ऋणात्मक थे, अब हो जाएगी क्या धनात्मक प्लस का 2 × 10⁻³⁰ और धनात्मक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका मतलब वो अस्थायी संतुलन हो गया। यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा जितनी ज्यादा होती है उतना ही मतलब संतुलन है वो अस्थायी होता है। अब डब्ल्यू थीटा 0 से 180 तो कार्य होता है पी ई, वैसे तो होता है 1 − cos θ 1 − cos θ 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। वैसे शॉर्ट में जैसे ही हम स्थायी संतुलन से घुमाते हैं तो थीटा 1 0 होता है, 1 माइनस कोस थीटा कहां तक घुमाना तो वही बात होती है। तो पी ई की पी की वैल्यू वही हमारे पास में कितनी है, पी की वैल्यू यहां देर की है 2 × 10⁻⁸ हमने ज्ञात किया, ई की वैल्यू 10⁵ कोस 0 से लेकर कोस 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। बस वही बात, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही बस 2 × 10⁻⁶ का किया गया कार्य है 90 तक घुमाने में, जो किया गया कार्य वो हो जाएगा माइनस का 3 जूल हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर 6 से लेकर 14 तक जो हमारे एग्जांपल है वो हमने पूरी तरह से हल कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सुझाव देना है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।